इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा सेक्सुअलिटी की चार स्टेजेस के बारे में। हर इंसान इन चरणों से गुजरता है, लेकिन शायद ही हम कभी इस पर गंभीरता से विचार करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन चार चरणों की यात्रा के विस्तार से वर्णन करूंगा, जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थल रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ये चार चरण क्या है और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जानकारी आपके लिए एक नई दृष्टि और समझ पैदा कर सकती है। तो शुरू करते हैं। पहली स्टेज है ऑटो सेक्सुअलिटी। बचपन, वो समय जब एक नन्ही सी जान अपनी खुद की दुनिया में मग्न रहती है। बच्चा अपना अंगूठा चूसता है, अपने पैर को मुंह में लेता है, एक अनोखा सुख अनुभव करता है। उसका ये आनंद एक ऊर्जा का क्षेत्र का निर्माण करता है, जहाँ उसकी ऊर्जा घूमती है और ये घूमती हुई रोशनी उसके अंदर आनंद का संचार करती है। पर जैसे ही ये मासूम सी खुशी में डूबी हुई दुनिया बदलना शुरू होती है, समाज का प्रभाव प्रारंभ होता है। बच्चा अपनी जननेंद्रिय के साथ खेलना शुरू करता है और इसमें कोई कामुकता नहीं होती। ये उसके शरीर का सबसे संवेदनशील भाग है, जिसको उसे छूना अच्छा लगता है। लेकिन तभी माँ बाप दखल देते हैं, छूना मत। ये शब्द सुनते ही एक मासूम व्यक्तित्व के अंदर अपराध बोध का बीज रोपण होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? क्योंकि बच्चे के स्वाभाविक आनंद और खुद से प्रेम को समाज गलत कहता है। इस प्रकार के सामाजिक हस्तक्षेप न केवल बच्चे के स्वाभाविक यौवन नष्ट होता है, बल्कि उसके अंदर ढोंग और पाखंड का जन्म भी होता है। जब माता पिता उपस्थित होते हैं तो बच्चा अपने आप को रोक लेता है और यहीं से झूठ का प्रवेश होता है। तो फिर समाधान क्या है? अगर हम बच्चों को उनके स्वाभाविक चरण में स्वतंत्रता दे दें, तो वे अपने आप ही अगले चरण की ओर बढ़ सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें बिना किसी भेदभाव के समर्थन दें, उनकी खुद की खुशी और स्वाभाविक विकास को समझने में मदद करें। सेकंड स्टेज, होमोसेक्सुअलिटी। जब एक बच्चा अपने शरीर से प्यार करता है, तो ये प्यार स्वाभाविक रूप से उसी लिंग के दूसरे बच्चों की ओर अग्रसर होता है। एक लड़का दूसरे लड़कों की ओर और एक लड़की दूसरी लड़कियों की ओर, ये प्राथमिक प्रवृत्ति है, क्योंकि वह एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। परंतु यहाँ समाज एक बार फिर से एक दीवार खड़ी करता है। स्कूलों में लड़कियों और लड़कियों को अलग अलग बिठाया जाता है, कॉलेजों में अलग हॉस्टल्स होते हैं। समाज उनके स्वाभाविक मूल्यांकन को रोकता है, जो कि एक प्राकृतिक चरण है, जो स्वयं ही समाप्त हो जाता अगर उसे अनुमति मिलती। जब समाज लड़का और लड़की के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी करता है, तो उनका मिलन मुश्किल हो जाता है और फिर जो भी उपलब्ध होता है उसी से उनका लगाव हो जाता है, चाहे वो पूर्ति ना भी करे। ये होमोसेक्सुअलिटी के चरण से गुजरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो समाज की अनुमति से अपने आप समाप्त हो सकती है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम प्रकृति के इस चरण को समझें और स्वीकार करें, ना कि उस पर रोक लगा दें। जब हम प्राकृतिक विकास को अपनाने की अनुमति देते हैं, तभी सच्चा विकास संभव है। थर्ड स्टेज, हेट्रोसेक्सुअलिटी। जब एक पुरुष या स्त्री ऑटोसेक्स और होमोसेक्सुअलिटी के चरणों को पार कर चुका होता है, तब उनमें एक दूसरे के प्रति गहरा आकर्षण और समझ उत्पन्न होती है। ये विपरीत दुनिया का मिलन उनका भिन्न रसायन शास्त्र, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का कारण होता है। जब ये दो विपरीत तत्व पुरुष और स्त्री एक दूसरे के करीब आते हैं, तो कई बार उनके बीच में एक ऐसी गहरी सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें पहली बार समाधि की झलक मिलती है। ये कोई फिलॉसफी या कविता की बात नहीं है, बल्कि वास्तविकता है, एक अस्तित्व से जुड़ी घटना है। परंतु बहुत कम लोग होते हैं जो इस स्थिति को वास्तव में अनुभव करते हैं। अधिकतर लोग अभी भी अपने पहले दो चरणों में ही अटके हुए होते हैं और उनका प्रेम केवल सतह पे होता है। सच्चे प्रेम के लिए एक नया प्रकार के होने का अनुभव जरूरी है, जिसमें दोनों व्यक्ति अपने विपरीत गुणों को स्वीकार कर सकते हैं। और जब एक बार यह अनुभव होता है, तो एक नई इच्छा जगती है। ये समाधि कैसे स्थायी बनाई जाए बिना किसी दूसरे पर निर्भर किए? योग, तंत्र और ताओ इस समाधि तक पहुंचने के साधन बन सकते हैं, क्योंकि गहराई में हर एक व्यक्ति में पुरुष और स्त्री दोनों ही होते हैं। फिर है आखिरी और फोर्थ स्टेज, जिसको हम ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि अब ऊर्जा नीचे की ओर नहीं बहती, अब वो सहस्रार की ओर बढ़ती है। अब तुम्हारी सेक्सुअलिटी बाहर की तरफ नहीं बहती, उसकी डिपेंडेंसी दूसरे पर से खत्म हो गई है। तुमने अपने भीतर के पुरुष या स्त्री को पा लिया है। इस अवस्था में ना तो बाहरी पुरुष की जरूरत होती है, ना ही बाहरी स्त्री की। इस अवस्था में ऐसी पवित्रता है, जहाँ तुम्हारे भीतर का पुरुष और स्त्री एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। इसी को हमने अर्धनारेश्वर की स्थिति भी बोला। ये एक आत्म का अनुभव क्षणिक नहीं होता, बल्कि ये एक सच्चे मिलन की तरह होता है, जैसे कि दो आत्माओं का संयोग। इस अवस्था में तुम्हारी प्रत्येक श्वास में आनंद का अनुभव होता है। वो क्षणिक समाधि का अनुभव जो तुम्हें संभोग से मिला था, अब वो ठहर जाता है। जीवन का हर पल ऑर्गेज्मिक सुख में व्यतीत होता है।
ये चरण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले 3 चरणों का अनुभव जरूरी है। जब एक व्यक्ति इन चरणों को पार कर लेता है तभी वो सच्चा ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर हो सकता है। ये गहरी और स्थायी यात्रा है जो केवल समर्पण और सच्ची साधना से प्राप्त की जा सकती है। प्रणाम।